ओके, तो आज देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से हम यहाँ पर जो है डेटा को रैंडमली एंटर करा सकते हैं। देखिए, रैंडमली मतलब यानी कि किसी किसी भी कोई भी सीक्वेंस फॉलो ना हो डेटा को एंट्री कराते वक्त। मतलब कोई भी डेटा एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, तो डेटा को रैंडमली कैसे हम इन कॉलम्स के अंदर फिल करा सकते हैं, इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि ऑलरेडी हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ये हमारे वो आइटम है जो हमें रैंडमली फिल कराने हैं इस कॉलम में, ठीक है, इस वाले कॉलम में। और ये वाले जो मंथ्स हैं वो हमें रैंडमली फिल कराने इस वाले कॉलम में, और ये हमारे सेल्समैन के नाम हैं जो रैंडमली हमें फिल कराने हैं इस वाले कॉलम में। सही है। अब ये कैसे होगा, और कुछ प्राइस रैंडमली इसमें फिल कराने, तो ये किस तरह से हम करा सकते हैं एक्सेल में, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, रैंडमली डेटा एंट्री कराने के लिए आपको एक फंक्शन को समझना होगा जिसका नाम है रैंड। ये जो रैंड फंक्शन है और एक फंक्शन है रैंड बिटवीन, ये फंक्शन हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सीरियल नंबर के अगेंस्ट इस कॉलम में जो कि ब्लैंक कॉलम है, उसमें जाएंगे फॉर्मूला में, मैथ्स एंड ट्रिक्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक फंक्शन लॉन्च करेंगे जिसका नाम है रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन फंक्शन जो है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, लेकिन वो रैंडम नंबर होगा जो गिवन रेंज के अंदर होगा। गिवन रेंज में हमारे पास देखना ये है कि आइटम कितने हैं। हमारे पास टोटल आइटम है 10, तो हम कहेंगे बॉटम 1 और टॉप पे 10, मतलब 1 से लेके 10 नंबर के दरमियान का कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर दो। अब वो क्या नंबर होगा हमें नहीं पता, जैसे ही ओके करेंगे तो एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। ये फंक्शन जब अप्लाई हो जाता है तो यहाँ फार्मूला में जाके यहाँ पे एक बटन है जिसका नाम है कैलकुलेट नाउ। इस बटन पे क्लिक करने पे जितने भी फंक्शंस आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट पर अप्लाइड होंगे वो बार बार अपडेट होंगे। अब जैसे सम फंक्शन है, अगर वो अपडेट होगा तो वही रिजल्ट देगा जो था, लेकिन जब ये फंक्शन पे आप अप्लाई करेंगे तो ये ऑलवेज रन होगा और ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो कि 1 to 10 के दरमियान में होगा, या जो भी आपने गिवन रेंज बताई होगी। इसके बाद आप इस नंबर के फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे जितनी एंट्रीज आपकी मौजूद हैं शीट पे। लेट सपोज आपकी 100 एंट्रीज हैं तो 100 पे ड्रैग करेंगे, 200 है तो 200 पे ड्रैग करेंगे, 400 है तो 400 पे ड्रैग करेंगे, 50 है तो 50 पे ड्रैग करेंगे। तो ये उतनी ही बार फार्मूला हर एक सेल पे अप्लाई होगा और उतनी ही बार रैंडम नंबर जनरेट करेगा। जितने रैंडम नंबर जनरेट करेगा उतने रैंडम नंबर आपके सामने नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद क्लिक करेंगे, ये रैंडम नंबर जब जनरेट हो जाएंगे तो यहाँ से आप इस रैंडम नंबर के जरिए फाइंड करेंगे इस आइटम का सीरियल नंबर, और जहाँ पर ये मैच होगा उसके आगे आइटम के नाम को आप यहाँ पे फेच करेंगे। अब फेच किस तरह से करेंगे इसको ज़रा हम देखते हैं। तो फेच करने के लिए सबसे पहले आपको करना ये पड़ेगा कि आपको इस आइटम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लेके जाना है नीचे तक और इसको एक नाम देना है। नाम देने का तरीका हमने आपको पहले भी बताया, नाम देने का सही तरीका यही होता है कि आप फार्मूला में जाएंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देते हैं। सपोज टू बी, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक्स आइटम, मैंने इसका नाम रखा एक्स विदाउट स्पेस विदाउट नंबर, ओके कर दिया। तो ये नाम कह रहा है कि पहले से मौजूद है, तो यानी कि पहले मैंने कभी नाम रखा होगा तो इसके अंदर वो नाम पहले से मौजूद है। अगर नाम पहले से मौजूद है और आप चाह रहे हैं कि मैं नाम डिलीट करके दोबारा से नाम दूं, तो नेम मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एक्स आइटम और डिलीट करेंगे, ठीक है। चले अभी हम दूसरा सा नाम रख लेते हैं, सपोज टू बी हम इसका नाम रख लेते हैं ई आइटम, ठीक है। ई आइटम हमने इसका नाम रख लिया और इसको ओके कर दिया, ये इस टेबल का नाम हो गया ई आइटम। और इसके पहले कॉलम में है सीरियल नंबर और दूसरे कॉलम में है आइटम का नाम, ठीक है। पहले कॉलम में है सीरियल नंबर और दूसरे कॉलम में है आइटम का नाम, तो ये हमने इसका नाम रख लिया ई आइटम। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर आके क्लिक करेंगे क्योंकि डेटा हमें यहाँ पे फेच करना है। अगेंस्ट दिस रैंडम नंबर विल मैच विद दिस सीरियल नंबर एंड गेट दिस आइटम, ओके। तो ये कैसे होगा काम, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक फंक्शन को लॉन्च करेंगे जो ये हमारा काम करेगा, और उस फंक्शन का नाम होगा लुकअप एंड रेफरेंस में जाके वर्टिकल लुकअप। जैसे ही वर्टिकल लुकअप पर काम करेंगे और यहाँ पे जाके आप पहले रेफरेंस करेंगे इस रैंडम नंबर का कि इस रैंडम नंबर को चेक करो, वो कहेगा मैं किस से चेक करूं, टेबल एरे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भाई तुम चेक करो ई आइटम से, तो वो ई आइटम के पहले कॉलम से चेक करेगा, यानी कि इससे 6 गेट इनटू दिस कॉलम एंड विल चेक दिस। अगर मैच हो जाए तो ऐसा करो ई आइटम के दूसरे कॉलम से मुझे डेटा दे दो, तो दूसरे कॉलम पे आ रहा है रैम, तो वो रैम को आपको यहाँ फेच कर देगा। अब पूछ रहा है मैचिंग क्राइटेरिया क्या रखें, मैचिंग क्राइटेरिया में रखेंगे 0 मीन्स फॉल्स, मतलब इक्वल इक्वल, मतलब 6 मैच होगा 6 से, नॉट 66 से, नॉट
0.6 से, नॉट 600 से, तो 6 से मैच होगा, इक्वल ओके करेंगे तो ये देखें हार्ड डिस्क इसने कैलकुलेट कर लिया। हार्ड डिस्क क्यों कैलकुलेट कर लिया, अगर नोट करें तो 7 नंबर पर क्या है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क ले आया। अब जैसे जैसे ये रैंडम नंबर चेंज होता जाएगा वहां पे डेटा भी चेंज होता जाएगा। बाय नाउ अब आप इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक तो ये सारे रैंडम नंबर के अगेंस्ट अपने अपने आइटम लाते रहेंगे और इस तरह आपका डेटा रैंडमली फिल हो जाएगा। लेकिन ये क्या, अगर हर दफा डेटा चेंज होता रहेगा तो ये तो एक फार्मूले के जरिए पता चल जाएगा कि तो डेटा रैंडमली फिल कराया गया है। ये ऐसा लगे फील लाइक कि ये रैंडम डेटा तो है लेकिन रैंड फंक्शन के जरिए नहीं कराया गया। तो हमें करना ये होगा कि हमें पहले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना होगा और इस पे फार्मूला हमें फार्मूला बार में नजर आ रहा होगा, तो हमें फार्मूला को रिप्लेस करना होगा वैल्यूज के साथ। मतलब बनाना हार्ड डिस्क क्या है, वैल्यूज है, और ये आ कहाँ से रही है, एक फार्मूले के जरिए जिसका नाम है वी लुकअप को रिप्लेस कर दो वैल्यूज के साथ। तो सिलेक्ट करने के बाद आप पहले होम में जाके इसको क्या करेंगे, कॉपी, और कॉपी करने के बाद पेस्ट के नीचे वाले बटन पर आके क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आप क्या कहेंगे पेस्ट वैल्यूज। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, पेस्ट वैल्यूज विद फॉर्मेट एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। तो हम यहाँ कहेंगे पेस्ट वैल्यूज, ठीक है, और विद नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर तो है नहीं इसमें और इसमें भी सोर्स फॉर्मेटिंग नहीं है, तो ठीक है नॉर्मली पेस्ट वैल्यूज कर देते हैं। और जैसे कि ओके करेंगे तो आप देखेंगे सारे फार्मूलाज रिप्लेस हो गए वैल्यूज के साथ। अब आप जितनी बार भी रैंडमली डेटा को रैंडम करेंगे तो उतनी बार डेटा तो यहाँ पर चेंज होगा, बट क्या होगा, बट ये होगा कि यहाँ पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर हमें उसकी अब जरूरत नहीं है तो यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करके इन वैल्यूज को ईजिली डिलीट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक है रैंडमली डेटा को फिल करने की किसी भी कॉलम में, या यूं कह लें डेटा रैंडमली डेटा को फेच करने की, निकालने की, देखने की किसी भी कॉलम में, सही है। अब आपने ये करना है कि ये एक तो मैंने कर दिया है, बाकी दूसरा वाला जो है ये आपने करना है। इसी तरह मंथ्स को देख लें, 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स को रैंडमली आप इसमें फिल कराएंगे। इसी तरह सेल्स को 5 सेलमैन है, 10 सेलमैन है, उनको भी रैंडमली आप इसमें फिल कराएंगे। इसी तरह प्राइस, अब प्राइस रैंडमली कैसे फिल कराई जाए, या यूँ समझ रहे हैं नंबर को रैंडमली कैसे फिल किया जाए, ये दो मैं नहीं बता रहा आपको, ये आपने खुद करना है, ये मैं करके बता रहा हूँ। देखिए रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए भी हमारे पास फार्मूला वही यूज होगा जिसका नाम है रैंड बिटवीन, जो हमें मैथ्स एंड ट्रिक्स में मिल रहा था। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, अब प्राइस कहाँ से चाहते हैं, हमने कहा 1000 से रुपये से लेके 2000 के दरमियान के रैंडम नंबर जनरेट कर दो और इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर दो। ये सारे 1000 से 2000 के दरमियान के रैंडम नंबर्स पे अप्लाई हो गए हैं। जितनी बार रैंड बिटवीन करते जाएंगे उतनी बार नंबर अपडेट होते चले जाएंगे, और अगर आप इसको होम में जाके कॉपी करके पेस्ट वैल्यूज कर देंगे तो ये नंबर फिक्स्ड हो जाएंगे और फार्मूला रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से आप कभी भी रैंडमली डेटा को फेच करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, तो इस टेक्निक के जरिए आप बड़े आराम से उसको कर सकते हैं।